हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 5 मिनट रेसिपी। आज हम बनाएंगे हेल्दी प्रोटीन चाट। ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है और इसको बनाना बहुत आसान है और बहुत कम समय में ये रेसिपी तैयार हो जाती है। तो चलिए देखें इसको कैसे बनाएंगे। हेल्दी प्रोटीन चाट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक कटोरी में कुछ पनीर लिया है और इसको मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है, और रोस्टेड मैंने पीनट्स ली हैं, इनको भी मैंने तवे पर हल्का सा रोस्ट कर लिया था। इसके अलावा मैंने एक कप यहाँ पर बॉइल्ड कॉर्न लिए हैं, इनको थोड़ा सा मैंने पानी लेकर पहले बॉइल कर लिया था, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एक बोल में मटर और बीन्स ली हैं, इनको भी मैंने पानी डालकर इससे पहले थोड़ा बॉइल कर लिया था। मैंने यहाँ पर दो टमाटर लिए हैं, इनको मैंने इस तरह से कट किया है, ये देखिए, और बीच का पोर्शन जो गूदा था मैंने इसका निकाल दिया। और एक मैंने येलो कैप्सिकम भी ली है, इसके अलावा आप रेड कैप्सिकम या फिर ग्रीन कैप्सिकम या ब्रोकली वगैरह भी ले सकते हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ये बॉइल्ड एग लिए हैं, दो मैंने बॉइल्ड एग यहाँ पर यूज़ किए हैं, इसके येलो पोर्शन मैंने निकाल दिया है। बॉइल्ड एग असल में ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दो आलू लिए हैं और इनको मैंने स्क्वायर शेप में कट किया है, और अब हम इन आलूओं को डीप फ्राई करेंगे, और इनको हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये अच्छे से ब्राउन ना हो जाएं। ब्राउन होने के बाद इसमें बहुत बढ़िया एक क्रिस्पी बनाएगा जो हमारी चाट को बहुत ही बढ़िया बना देगा। तो ये देखिए हमारे आलू ब्राउन हो गए हैं, और अब मैं इनको प्लेट में ट्रांसफर कर रही हूँ, और सारे इंग्रेडिएंट जो भी हमारे पास हैं वो सब हम इसमें मिक्स कर देंगे। सबसे पहले आलू में डाले रहे हैं, उसके अलावा हम मूंगफली और ये मैंने बीन्स और मटर भी ले ली हैं, और कॉर्न्स भी मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं, टोमेटो, येलो कैप्सिकम, साथ साथ पनीर, और ये बॉइल्ड एग भी मैंने ले लिया है। बॉइल्ड एग और पनीर प्रोटीन का एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, और साथ साथ मैंने कुछ काली मिर्च पाउडर लिया है। इसके अलावा मैंने चाट मसाला ऊपर से थोड़ा सा डाला है, और कुछ मैंने दो नींबू लिए थे, इसका रस मैं इसमें मिला रही हूँ, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर काला नमक डाल रही हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी मस्त कलरफुल प्रोटीन चाट तैयार है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने कमेंट्स और व्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अब वक्त है आज की टिप का। आज की टिप है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम खाना बनाते हैं तो जो रशे की सब्ज़ी होती है उसमें नमक ज़्यादा हो जाता है, उसको कम करने के लिए हम जो अगर हमारे पास गुथा हुआ आटा है तो उसको हम उसमें मिक्स कर सकते हैं, छोटी छोटी लोई बनाकर उसकी, तो वो आटा जो है वो नमक को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।